हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी इन बजट। और मैं हूं कमल। फ्रेंड्स, जहां भी डार्क सर्कल्स की बात आ जाती है तो हम ग्रीन टी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। यहां पे मैंने एक ग्लास में बर्फ ले ली है और उसमें मैं ग्रीन टी के बेक्स जो है ऐड कर दूंगी। इसको रखेंगे पानी में और जब ठंडे हो जाएंगे और थोड़ा सा पानी इनका निकलने लगेगा तो हम अपनी आंखों पे लगा लेंगे। ठंडक के साथ साथ हमारे डार्क सर्कल्स भी बहुत ही आराम से दूर हो जाते हैं। दूसरी रेमेडी में मैंने लेमन्स ले लिए हैं। लेमन्स को मैंने जो है पील ऑफ कर लिया है और उसके साथ साथ मैं वैसलीन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आंखों को मॉइस्चराइज भी तो हमें करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो लेमन के पील्स लिए थे उनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे और उसके बाद वैसलीन में ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ भी आप अपनी आँखों पे जो है लगा सकते हैं। आँखों की गर्द जो ब्लड की वेसल्स होती हैं ना, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है, मॉइस्चराइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेमन एक नेचुरल ब्लीच होता है, ये हमारे डार्क सर्कल्स फौरी तौर पर रिमूव कर सकता है। आप रात को लगा कर भी इसको सो सकते हैं और सुबह को भी बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेमेडी 3 में अगर आ जाएं तो हम यहाँ पे कोकम्बर या खीरा ले सकते हैं। ये पानी की बहुत अच्छी सोर्स होती है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसको एज इट इज़ हम इसके सिर्फ छोटे से इसको काट कर और आंखों पे लगाएंगे। उसके अलावा डार्क सर्कल्स के लिए हम लोग आलू यानी कि पोटैटो भी यूज़ कर सकते हैं। इनको भी हम लोगों ने राउंड शेप में काट कर और अपनी आंखों पे जो है अप्लाई कर लेना है। 20 मिनट 15 मिनट, इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप इनका जूस निकाल लें। जैसे कि अभी मैं खीरे को ग्रेट कर रही हूँ, उसके बाद हम इसका जो है ना जूस निकालेंगे। अब ये देखें, ये मैं आलू को भी इसके साथ साथ ही मैश कर लूँगी और इनका जूस देखें प्लेट में ऑलरेडी निकल चुका है। ये देखें फ्रेंड्स, ये जूस निकल आया है। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे किसी भी छन्नी की मदद से। आप हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो है जूस रेडी हो चुका है, मैं बाकी जूस भी निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने जूस निकाल लिया है और जो एक्स्ट्रा पल्प था आलू का और खीरे का उसको सेपरेट कर लिया है। अब हम किसी भी जार में इस जूस को जो है स्टोर कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जूस रेडी हो चुका है। हम इसमें मॉइस्चराइजेशन के लिए हनी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे और अपनी आंखों के गिर्द अप्लाई करेंगे। आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पे लेकर थोड़ा सा आंखों के गिर्द मसाज कर सकते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं, आप लोग कॉटन जो पैड्स होते हैं, मेकअप रिमूविंग पैड्स, आप उनसे भी इसको पूरा गीला कर इसमें सोप करके अपनी आंखों के नीचे लगाएं या चाहें तो ऊपर भी लगा लें। सोल्यूशन 5 में आ जाता है गार्नी का हाइड्रा बॉम टिश्यू मास्क, जिसमें ऑरेंज जूस होता है। आंखों के गिर्द बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस और यंग लुक देता है। आंखों के गिर्द के एरिया का टेम्परेचर कम करता है 4.C तक और बहुत ज़्यादा ठंडक मुयसर करता है। ये आई मास्क स्किन क्लियर करता है, स्किन को नरम मुलायम और ब्राइटर बनाता है। अगर आप होम रेमेडीज पे बिलीव नहीं करते तो आप ये इस्तेमाल करें। दोस्तों, हम इस आई मास्क को रीयूज़ भी कर सकते हैं। जो ग्रीन टी का पानी होगा हमारे पास, जो ठंडा पानी है, उसमें हम इसको डालकर अपनी आंखों के गिर्द लगा सकते हैं और जो ग्रीन टी का पानी है उससे हम अपनी पूरी स्किन पर हल्के हल्के से मसाज भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि एक्नी वगैरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अब ये जो प्लब बचा था मेरे पास पोटैटो और कोकम्बर का, उसको आप थोड़ा सा ग्रीन टी का पानी लेकर अपनी स्किन पर एज अ स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं। इससे एक्नी, स्कार्स, सब कुछ दूर हो सकता है। ये 2-in-1 रेमेडीज़ हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़।